हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको मैथ का सैंपल पेपर दिखाने वाला हूँ कि आपका 2025 के एग्जाम में किस तरीके का पेपर आने वाला है और उस पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। और इस पूरे के पूरे पेपर को आप जरूर तैयार करके जाना, सैंपल पेपर में से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आपके मैथ के पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। अगर कहीं पर आप स्किप कर देंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके के और भी सैंपल पेपर और उनके सोल्यूशन पर वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अगर आपको किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी चाहिए हो तो मैंने पेपर के सोल्यूशन पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर आपको किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या किसी भी सैंपल पेपर का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस पेपर के सोल्यूशन के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और अगर आपको इस पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं सैंपल पेपर के सोल्यूशन के ऊपर भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। तो आप इस पेपर को जरूर तैयार करके जाना। तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, ये हमारा सैंपल पेपर है 2025 का, और वो भी क्लास 10th वालों का गणित का। तो पहले मैं यहाँ पर ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, किसी की भी वीडियो देखकर भ्रमित ना हो, कोई पेपर का पैटर्न आपका चेंज नहीं हुआ है, सेम आपका पिछले साल वाले पेपर का पैटर्न है, एक भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर कोई चेंज होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और इस सैंपल पेपर में आपके कुल 27 क्वेश्चन है और 27 क्वेश्चन ही आपके आते ही हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि आपके प्रश्न संख्या एक में 8 खंड होंगे और 8 खंड हमारे एक एक नंबर के होंगे, जो कि हमारे होते हैं बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन। और प्रश्न संख्या 2 से 9 तक हमारे होते हैं एक नंबर वाले, प्रश्न संख्या 10 से 16 तक होते हैं हमारे दो नंबर वाले, प्रश्न संख्या 17 से 21 तक होते हैं हमारे चार नंबर वाले, और प्रश्न संख्या 22 से 27 तक ये होते हैं हमारे पांच नंबर वाले, जो कि हमारे होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कि सैंपल पेपर हमारा कैसा आया है और इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर एक, और इसमें हमें 8 खंड दे रखे हैं जो कि हमारे एक एक नंबर के होने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और दिखा देता हूं मैं आपको आगे, ये छठा हो गया, ये सातवा और ये आठवा, और ये सारे के सारे हमारे एक नंबर के ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हमारे 2 से लेकर 9 तक ये भी हमारे एक नंबर के होने वाले हैं, लेकिन ये होते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन, और ये हमारे होते हैं निश्चित वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिनके आंसर ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, एक लाइन के या दो लाइन के ज्यादातर होते हैं। और ये जो आपका मैथ का सैंपल पेपर है 2025 का, और इस पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, तो आप चैनल पर हमारे साथ बने रहें। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक नंबर वाले होंगे और ये हमारे निश्चित वाले होते हैं, इनके आंसर ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को भी देख लें, क्या पता ये आपके 2025 के बोर्ड के एग्जाम में आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक ये हमारे होने वाले हैं दो नंबर वाले, जिनके आंसर हमारे क्या होंगे, थोड़े बहुत बड़े होंगे। और पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, तो अगर आपको नहीं पता कि आपका सिलेबस भी क्या है तो आप कमेंट कर देना, आपके सिलेबस के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप 10 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को देख लें। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ही आते ये रहते हैं।
और मैंने एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं, आप उन क्वेश्चन को जरूर तैयार करना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है सोलवे क्वेश्चन के अथवा में, ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ये आता रहता है, इस साल भी ये आया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक, यहां से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे चार नंबर वाले, और ये ज्यादातर तीसरे और चौथे चैप्टर से ज्यादातर आते रहते हैं, कोई ना कोई हमें विधि दे देता है, तो आपको सारी की सारी विधि आनी चाहिए, जिसमें हमारी रैखिक समीकरण होती है उनको सॉल्व कर हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना, ये हर साल आते ही रहते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 में दिख ही रहा होगा कि क्वेश्चन में भी और इसके अथवा में भी दोनों में हमें रैखिक समीकरण हल करने को दे रखी है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें जो हमें दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं ऊपर भी और अथवा में भी, ये चार नंबर में हर साल ही आते रहते हैं ज्यादातर, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से तैयार करके जाना, इस साल भी इनके पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये हमारे आ सकते हैं। और अब हमारे 22 से लेकर 27 तक पांच नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमारा पांच नंबर के लायक नहीं होता लेकिन वो पांच नंबर में आ जाता है। तो आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको भी हल्के में ना लें, जो छोटे क्वेश्चन है उनको आप जरूर तैयार करके जाएं, तीसरे चैप्टर से भी, चौथे चैप्टर से भी और पांचवें चैप्टर से भी। इन चैप्टर से हर साल कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि पांच नंबर के लायक नहीं होता, जैसे कि 22वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, दोनों पांच नंबर के लायक नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को पांच नंबर के लिए तैयार करके नहीं जाएंगे और ये आपके पांच नंबर में आ जाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। और ऐसे ही 26वें क्वेश्चन के अथवा में जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन भी हर साल ज़्यादातर रिपीट होता रहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप पिछले जो हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आप जरूर तैयार करके जाएं, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आप उनको जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आते रहते हैं, कोई नए क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं। तो ये था उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का मैथ का सैंपल पेपर 2025 का। तो आप इस पेपर को जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं, और इस सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो जल्दी आ जाएगी। जब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये जो आपका सैंपल पेपर आया है 2025 का, ये बहुत आसान पेपर लग रहा है देखने में और ये आसान भी है, तो आप ये सोचें कि आपका बोर्ड में भी इस तरीके का ही पेपर आने वाला है, उसी हिसाब से आप तैयारी भी करके जाएं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी सैंपल पेपर चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। जिस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के ऊपर ज्यादा कमेंट होंगे वो पेपर मैं जल्दी लेकर के आ जाऊंगा। और अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, या कोई भी पेपर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यूट्यूब से पहले वहां पर मिल जाएगी, तो आप दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके के और भी सैंपल पेपर या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें,
कमेंट करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी पता चल सके कि आपके सैंपल पेपर अब आ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।